we are facing a lot of issues to update the mobile number or to get verified for any listing. So I am very curious to learn these things, these new updates, because I'm not getting any type of update from other channels like YouTube or some other channel or some other blogs. Did you go by the description for this event? Yes. So that's why, Govardhan, that's why I wrote explicitly regarding this. So I was definitely going to talk about it, but if anyone was just interested in it, then I think that wasn't the intent. See, you won't believe, before this call, I was talking to one of the restaurant owners in Gurgaon, one of the leading restaurant owners in Gurgaon, a restaurant which gets close to 1 million photo views. Just imagine. Okay. Ye uska GMB stat hai, ki uske wo photo views, 1 million photo views aate hai yaar. Theek hai? And unka number is waqt disapprove hua hua hai. Aur wo number approval ke liye, he was after my life, ki Hardik, tere ko hi karana hai. I know him. I have helped him to reach that level of prominence in Gurgaon. And number approve karwane ka ek matra tarika, jo sahi tarika hai, is through support. Aap support se continuously baat kare. ठीक है, अगर जेन्युइन लिस्टिंग है तो, अगर नॉन जेन्युइन लिस्टिंग है तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता यार. मैंने नॉन जेन्युइन काम आज तक नहीं करा यार. मैंने किसी की नॉन जेन्युइन लिस्टिंग पे कोई काम नहीं करा. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से मैं बहुत क्लियर रहा था कि यार जेन्युइन लिस्टिंग में ही काम बहुत है, तो लेट्स नॉट फोकस ऑन स्पैम कैटेगरी ऑफ वर्क. ठीक है, स्पैम कैटेगरी ऑफ वर्क. अब मल्टीपल चीजें यार, देखो, स्पैम से फाइट करने के लिए आप अपनी लिस्टिंग में बिजनेस में कीवर्ड ऐड करते हो या कुछ कुछ चीजें करते हो, वो एक अलग स्ट्रेटजी है, दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट आपका ऐसी लिस्टिंग जिस लिस्टिंग पे मतलब वहां कुछ है ही नहीं, आप एक मतलब लोग आते हैं ना, आई एम श्योर यहाँ पे सब लोग लोकल एसईओ करते हैं, तो लोग आते हैं, सर हर सिटी में लिस्टिंग खोलनी है, 40 लिस्टिंग, 400 लिस्टिंग बनानी है जी मुझे तो. So, अगर उस कैटेगरी की लिस्टिंग है तो सॉरी, कोई तरीका नहीं है. मतलब समथिंग विल वर्क फॉर यू, समथिंग विल नॉट वर्क फॉर यू. आई हैव नो आइडिया. आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट कैटेगरी ऑफ वर्क. अगर जेन्युइन लिस्टिंग है तो मल्टीपल स्टेप्स हैं विच यू कुड फॉलो, और कोई भी स्टेप फुल प्रूफ नहीं है. आई वुड से कोई भी स्टेप फुल प्रूफ नहीं है. आप साइटेशंस पे काम करें, साइटेशंस पे आपके नंबर होने चाहिए, आपकी वेबसाइट पे नंबर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट में जो स्कीमा डाला हुआ है उसमें नंबर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे वो लिस्टिंग होनी चाहिए और उसके अंदर वो नंबर होना चाहिए. आप केस दिस मीटिंग इज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड नाउ, सो इफ एनीवन इज जॉइनिंग फ्रॉम द फेसबुक ग्रुप दे कैन आल्सो जॉइन इन. ग्रेट. ओके, गोइंग टू जस्ट गेट स्ट्रीम्ड. यस, या प्लीज कैरी ऑन, यू कंटिन्यू. श्योर. Thanks for that. So, एक जो सजेशन मुझे मिला है जो मैंने पर्सनली ट्राई नहीं करा बट आई हैव हर्ड दैट इट वर्क्स इज गेटिंग अ लैंडलाइन नंबर. ठीक है, लैंडलाइन नंबर में उस लोकेशन का कोड होता है, तो उसकी वजह से वो नंबर्स अप्रूव होते हुए मैंने देखे हैं. आई हैव नॉट पर्सनली ट्राइड इट बट आई हैव सीन दोज गेटिंग अप्रूव्ड. ठीक है, सो ये सवाल बहुत बाइफरकेटेड सवाल है. आपकी नई लिस्टिंग के बारे में पूछ रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्युइन लिस्टिंग है? यस, जेन्युइन. जेन्युइन लिस्टिंग है. सर्विस एरिया बिजनेस है या लोकेशन लिस्टिंग है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सर्विस एरिया बिजनेस एंड लोकेशन लिस्टिंग्स. अगर कोई नहीं समझता तो यू कुड पुट इट इन चैट. आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन. आई एम श्योर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आई विल यूज दैट डेफिनेशन फॉर श्योर. बट अगर किसी को अभी सर्विस एरिया बिजनेस, मैं बता ही देता हूँ. So, मेरे लिए, मैं हिंदी में बताता हूँ, सर्विस एरिया बिजनेस वो बिजनेस है अगर मैं क्लाइंट की लोकेशन पे जाके काम करता हूँ. बस मेरे लिए इतनी सी डेफिनेशन है. क्लाइंट मेरी दुकान पे आ रहा है, मेरी जगह आ रहा है काम करने, तो मैं एक लोकेशन वाला बिजनेस हूँ. अगर मैं उसके यहाँ जाके सर्विस देता हूँ तो मैं सर्विस एरिया बिजनेस हूँ.
ठीक है, एनी ब्लू कॉलर सर्विस, कारपेंटर, प्लम्बर, वो एनी एनी सर्विस जो मैं क्लाइंट की लोकेशन पे जाके देता हूँ, दैट बिकम्स अ सर्विस एरिया बिजनेस. बिजनेस सो पवन ओवर टू यू, आपकी सर्विस, आपकी जो लिस्टिंग है वो सर्विस एरिया बिजनेस है या यस सर्विस एरिया बिजनेस है? ठीक है, एक लिस्टिंग की बात कर रहे हो मल्टीपल लिस्टिंग्स की बात कर रहे हो यार? सेम लोकेशन पर वन एक ही लिस्टिंग. अच्छा, मतलब एक जगह पे आपकी एक लिस्टिंग है यार. सपोर्ट से वेबसाइट बनी हुई है? नहीं, वेबसाइट नहीं है. वेबसाइट बनाओ यार, वेबसाइट बनाओ और yes. उसमें एक लैंडलाइन नंबर डालो. देखो, जेन्युइन काम में टाइम लगता है बट वो लंबा टिकता है. yes. मतलब आई बिलीव इन गेटिंग एक लिस्टिंग को रैंक करा दिया और वो लिस्टिंग सालों साल तक रैंक है. मैंने जितनी भी लिस्टिंग्स, आई हैव वर्क्ड क्लोज टू अबाउट 500 लिस्टिंग सो फार. जिन जिन लिस्टिंग्स पे मैं काम करता हूँ, एक बारी आपने उसको रैंक करा दिया, उसके बाद वो वही रहती है. आप काम ही नहीं करते उनपे, महीनों महीनों काम नहीं करते, ठीक है, और वो वहीं रहती है, हिलती नहीं. ठीक है, तो दैट इज हाउ आई अप्रोच वर्क. आई अप्रोच लोकल एसईओ, आई अप्रोच मेकिंग अ जीएमबी रैंक यार. ठीक है, सो दिस इज हाउ माय मोड ऑफ वर्किंग इज लाइक दिस. एनीवन एल्स? आई थिंक वी हैव फ्यू पीपल, वी कैन गेट स्टार्टेड. आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन, इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रेजेंटेशन, बट I thought I'll put it in a formal presentation, so I have done that. So anyone else, we could take up a one or two quick questions, and if not, yes, we could. We'll start in 2 more minutes. Yes. Sure. Anyone else? Pavan, I hope you got your answer. Yes. ठीक है, आप website, next actionable is website यार. Website के बिना कुछ नहीं कर पाओगे GMB में यार. Ranking में भी बड़ी दिक्कत आती है. अगर आपको रैंक भी करना है ना, तो यू हैव टू हैव अ वेबसाइट यार. यस यस, वेबसाइट का इंपैक्ट बहुत अच्छा रहता है. बिल्कुल बिल्कुल यार. बात क्या है कि जो आई एम नॉट इनटू जीएमबी, बट यू थिंक इन द टर्म्स ऑफ गूगल ना यार. अगर गूगल आप सर्च करते हैं आपका बिजनेस को, इफ दे आर गेटिंग मल्टीपल एरिया से वो जेन्युइनिटी उनको दिख रहा है, दे आर गेटिंग सॉलिड प्रूफ. क्योंकि जो गूगल में जो बंदा काम करते हैं वो तो एम्प्लॉय होता है. एंड एम्प्लॉय क्या करते हैं ना, दे विल नॉट टेक, वो अपना कंधे पे लेके नहीं चलता ना. मैं संघ सेवा कर रहा हूँ, ठीक कर दूंगा, लेकिन दे विल ट्राई टू लुक फॉर रीजंस, ना अप्रूव करने के लिए रीजन ज्यादा ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी ऑन द प्रॉब्लमेटिक साइड. सो लॉजिकली आपको ना, इफ यू आर एबल टू बिल्ड मल्टीपल वेब प्रॉपर्टीज विच आर प्रूविंग दैट दिस बिजनेस इज जेन्युइन, मे बी शायद दैट विल हेल्प यू, लाइक हार्दिक वाज मेंशनिंग. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एज यू सेड, फर्स्ट स्टेप इज वेबसाइट, नेक्स्ट स्टेप इज जो हम साइटेशंस बोलते हैं. साइटेशंस कुछ नहीं होती, फेसबुक पे आपका पेज, इंस्टा पे आपका पेज, लिंक्डइन पे आपका पेज, अगर इंडिया में है तो जस्ट डायल पे आपका पेज, इंडिया मार्ट पे आपका पेज. एक दिन लगता है यार बनाने में, 2 घंटे लगते हैं, आप 10 बना लो बस. ठीक है, वेबसाइट और साइटेशन और उन सब पे वही नंबर जो नंबर आप अप्रूव करवाना चाहते हैं. ये काम करने के बाद आप सपोर्ट से बात करें. Interesting. I think we started off with a bang. We also cleared off that question ki aapne ek question ko bahut acha se handle kiya, which we were not focusing much on this session, jo hum log description mein dale the. But whatever we got, like you covered it in a very short and sweet, main bol sakta hu. So I would like to, boss, right now we are jo log Zoom meeting mein hai, un log hai. Apart from that, people who are watching on Facebook also can put your comments. थोड़ा सा देर में आंसर मिलेगा आपको, बट डेफिनेटली वी विल आंसर इट व्हाटसोएवर. सो यू कैन ऑलवेज पुट द आंसर. दिस सेशन इज ऑल अबाउट लोकल एसईओ, एंड आई हैव बीन प्लानिंग दिस विद हार्दिक जी फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. लास्ट एक मंथ से थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, समहाउ आई एम ऑन एंड ऑफ एंड ऑल, वी कुड फाइनली मैनेज टू मेक दिस हैपन. क्योंकि लोकल एसईओ इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक चीज है. एसईओ इज समथिंग ब्रॉडर एंड स्पेसिफिक चीज है, एंड मेनी पीपल माइट बी हैविंग सम टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. And being our community, being niche marketers, we always love people who work with a specific niche. मतलब वो दूसरे काम भी करते होंगे, but अगर एक चीज में थोड़ा expertise वो लेके आ सकते हैं ना, that is what is today's जो disruptive world में marketing is much more disruptive. तो उसमें शायद ये इस टाइप के expertise का मतलब we need those kind of people where we create that ecosystem, talk to each other, collaborate with each other. एक दूसरे के साथ काम भी करो, बिकॉज मार्केटिंग इज सो सो वास्ट.
इन द कम्युनिटी ऑल्सो वी सी मेनी पीपल कोलैबोरेटिंग विद टीचर, टाइंग अप फॉर टीचर, एक दूसरे से काम भी करते हैं. अभी क्या है ना, एक जमाना गया कॉम्पिटिशन वाला जमाना, अभी कोलैबोरेशन का जमाना आ गया. क्योंकि आप इतना सारा चीज में एक्सपर्टीज कैसे बनेंगे, मतलब हाउ यू बिल्ड दैट एक्सपर्टीज, कितना बड़ा टीम बनाओगे, कितना ओवर एज बनाओगे. So, I think Hardik ji is also having an entrepreneurial mindset because he's also into starting some educational based startup. So, I would like to invite Hardik ji to talk about the local SEO thing and what worked in 2021 and what will work in 2022. That's the topic for today's session. So, Hardik ji, welcome to Niche Marketers, and I'm very very happy to have you here. So would like to ask you to introduce yourself a bit, and then we can go ahead with the session. Surely. I'll just read one of the chats that we have received from Madhusmita as well. Madhusmita, I'll try. I understand that you are still a beginner with SEO and local SEO, but so my approach has always been to go from the basics, because I find great value in basics. If someone understands basics, he can very well do the advanced stuff. But if someone doesn't understand that basic stuff, he will never be able to do that advanced stuff very well. So I'll make sure that I keep my presentation on those basics as well, so that anyone who is also a starter will also gain value in this session. I'll start sharing my screen as well. Perfect. Guys, do let me know if my screen is visible to you. Yes. Perfect. You could. So whenever I ask a question, you can always respond in the chat. I think that way the interactiveness of the session is maintained, and then you guys will also feel engaged during this session. So whenever I ask a question, I usually ensure that I ask a yes and no question. So you could respond in the chat so that we'll be able to analyze. So myself, Hardik, when Govardhan, I always wanted to associate myself with something that accidentally happens to anyone. I'm a very firm believer of destiny, that you eventually reach to a point where you are destined to be there. So local SEO happened to me in that fashion. So I was running my education institute. My education institute name was Trisect, and you could check it out. It's an 8-year-old education institute that I have been running. It is still running. It is doing good in its small format. We have trained close to 5,000 students so far. We have been placing these students across IT companies in Delhi NCR, and we are connected to over 500 such IT companies. And you give what kind of training you offer there? So it's an IT training institute. We primarily focus on programming skills. So again, that's a very different discussion. This session will go if I'll dig deep into that. So I'll probably in another environment we could have a discussion around that. Sure. So I was lucky enough, my career got started right in the college. I was able to work with a person who had spent close to 20 years in the industry. He was an IIT Delhi, IIM Ahmedabad pass out, and with 20 years of industrial experience, probably one of the few people who jab India mein IT tha hi nahi tab wo IT mein kaam kar rahe the. So I was lucky enough to work with that person, and I feel 2-3 साल जो मैंने उनके साथ बिताए, मेरी MBA वहीं हो गई, because मैं उनसे वो सब चीजें, negotiation, sales, सब कुछ मुझे उनके अंडर एक तरह से सीखने को मिला while creating this institute Trisect. And Trisect में हम लोगों ने जब शुरू करा, so our marketing channels, we were trying to find a good marketing channel, and our first marketing channel were emails. हम लोग probably एक time पे इंडिया के one of the biggest spammers हुआ करते थे. हम लोग एक दिन में लगभग 2 करोड़ मेल भेजते थे यार. सो एंड दिस इज बैक इन 2016-17-18 टाइप सिनेरियो, एंड इट वाज वर्किंग वेरी वेल फॉर अस. बट इवेंचुअली वी नीडेड टू डाइवर्सिफाई.
And then while studying the competition, I came to understand about local SEO. I was just Googling कि भाई I'm sure कोई भी बच्चा अगर कोई कोर्स करने की सोचता है तो वो गूगल पे जाता होगा, वो गूगल पे कुछ गूगल करता होगा. मुझे तब तक सिर्फ SEO ही पता था, मुझे लोकल SEO वर्ड भी नहीं पता था. बट मैंने वो देखा कि यार वेबसाइट आ रही है और वेबसाइट के ऊपर यार ये एक 3 लोकेशन का डब्बा आ रहा है, उस डब्बे में कैसे पहुंचूं मैं. सो दिस वॉज द माइंड सेट, दिस वॉज द इंक्वायरी विद इन मी विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ लोकल SEO. एंड दिस हैपेंड इन बैक इन 2015 and late 15 and starting of 16. So that was the time when I got into local SEO. And so I went on from one step to another step, that step to next step, that step to next step. And it was primarily doing a lot of Google research. I used to ask Google intelligent questions, and the response to those questions was my learning about local SEO. Okay. So once I applied those acquired knowledge on my listings, so we are still ranked, and I openly tell it to everyone. So aap Java Training Institute in Noida, Python Training Institute in Noida, in Gurgaon, theek hai, matlab ye queries aap chalayenge, so you will find us. And hamare paas itna acha CTR aata hai uska, kyunki hamari listing optimized hai to CTR as well. Usually people अपनी prominent listings, अपना bread and butter को बताते नहीं, but I am okay. क्योंकि अगर actually में कोई मुझे competition वहां देना चाहता है तो essentially वो मुझे improve कर देगा, because मैं चुप तो बैठूंगा नहीं. I'll also work on it. ठीक है, तो हम by far हमारा competition, हमने उन listings पे पिछले 2 साल से काम नहीं करा है. Yeah. We haven't worked on those listings since last 2 years, and our listings are ranked. And we are beating the competition by far about between 100 to 500%. Hamara competition hamare aas paas bhi nahi hai, aur aane ke liye usko jitna effort lagana padega wo effort asaan nahi hai. We have taken a superseding approach in that, and that's what I try to do with any consult that I do, any service that I used to do. Ab to nahi kar pata hu, but जब मैं कंसल्टिंग बिजनेस करता था जीएमबी का, आई यूज टू एंश्योर कि यार मुझे एक ब्लैंकेट अप्रोच चाहिए, मेरी लिस्टिंग आ गई और मेरी लिस्टिंग के आसपास कोई ना आए. ठीक है, दैट वाज माय माइंडसेट, बिकॉज बीइंग इन बिजनेस इट वाज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट नॉट टू रैंक बट टू गेट बिजनेस. एसेंशियली अब रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रैंकिंग से बिजनेस आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बहुत सारे बिजनेसेस में आई एंडेड अप इवेंचुअली गिविंग देम सजेशन कि भाई जीएमबी डजंट वर्क फॉर यू, जीएमबी में पैसे डालना बंद कर दो, आप सोशल मीडिया करें. ठीक है, एंड ये एडवाइस आप तब दे पाते हैं जब आप जो आपके पास काम है उसके बियॉन्ड सोचेंगे. ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, इन द एंड क्लाइंट आपसे जीएमबी नहीं करवाने आया, उसको बिजनेस चाहिए. उसको किसी ने समझा दिया कि भाई लोकल एसईओ कर लो, काम हो जाएगा. बट देर आर कैटेगरीज जहां पे लोकल SEO नहीं काम करता, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है. ठीक है, तो आप उस रियलिटी को समझें, मतलब बी ट्रूथफुल टू योर कस्टमर. दैट इज माय एंड सजेशन इन द इंट्रोडक्शन. करंटली आई एम फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशन वेबसाइट्स. इट इज इन एन एम्प्लॉयशिप मैनर, but at a very different level. So I work, there is a website called indiaeducation.net. It is a website that gets close to 1 million traffic a month, and it is a family of portals. So I'm looking at close to about 45 education portals, and the idea is to create one of the India's leading education brand and make this stand right next to Shiksha, Jagran Josh and College Duniya and XYZ brands. And that is what my key focus is. SEO से मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ. So अगर आप ये logo एक देखो GMB. So I started creating a SaaS around local SEO. I don't know about मैं कितना कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, because my primary thing has changed. So I was working on this very aggressively. So GMB.com आप जाके देखिएगा. This is a software that we were building. So I'm sure यहाँ पे लोगों ने रैंक मैथ और योस्ट यूज करा होगा.
सो रैंकमैथ और योस्ट हमें ऑन पेज के सजेशंस देता है. सो gmb.com वाज क्रिएटेड विद अ वेरी सिमिलर माइंडसेट दैट वी विल गिव अ फ्रेमवर्क टू रैंक gmbs, अ रिकमेंडेशन इंजन टू रैंक gmbs. सो इट वाज अ वेरी aspirational project that I started. Had my tech team sorted, spoke to investors, was very, very aggressively working towards this because I have, luckily I come from a tech background, so I understand the tech as well. And professionally, I have done marketing, business, entrepreneurship. So I was able to comprehend that and this GMB idea was built. I would advise everyone to at least go and see our landing page on gmb.com. I'm sure it will have some inputs for you. So is that software live now or how does it work? So for now, we have the GeoGrid feature live in the software. I do spend some time weekends pe office ke baad jitna time mil paata hai main is pe bitata hu. I have a very good tech co-founder with me on this project. So, हम लोग टाइम बिताते हैं. फंडिंग वंडिंग के लिए भी बात करी थी, बट अगेन आई गॉट अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इंडिया एजुकेशन डॉट नेट. सो मेरा फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. आई स्टिल आई एम वेरी मतलब मेरे मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं gmb.com पे लगाता हूँ. सो आई हैव स्टॉप डूइंग कंसल्टिंग बिकॉज सो वन थिंग विच आई लर्न द हार्ड वे वॉज आप 10 चीजें नहीं कर सकते, आप शायद 2 चीजें भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए अपना फोकस रखना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट आई वाज डूइंग वेरी गुड ऑन माय कंसल्टिंग बिजनेस. प्रोबेबली देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने जीएमबी कंसल्टिंग इतने स्केल पे करी है. सो आई वाज एबल टू गेट गुड क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हु पे वेल. बट दिस अपॉर्चुनिटी लिटरली मेड मी लीव सच अ प्रोजेक्ट. सो ठीक है, एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन माई फर्स्ट preference because I believe that education works at a very, very primary level, and I got a really good opportunity to create a huge impact in the education space, and hence my focus got shifted towards that. So so what worked in 2021? See, aise to bahut sari cheeze kaam karti hain, but 2021 mein maine jitni bhi consulting kari maine तीन पैरामीटर्स नहीं छोड़े. ठीक है, सो आई विल स्पीक अबाउट दोज पैरामीटर्स. यार पहला, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दिस फोटोग्राफ सर्कुलेटिंग अराउंड फेसबुक ग्रुप्स, सर्कुलेटिंग इन मेनी लोकल एसईओ ग्रुप्स. सो द पर्पस इज, अगर आप कीवर्ड आपने अपने बिजनेस के नाम में डाला, ये स्ट्रैटेजी काम करती थी 2021 में करती थी. अभी कुछ टाइम पहले ये स्ट्रैटेजी काम करना अब धीरे धीरे बंद कर चुके हैं. मतलब गूगल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देके ये स्ट्रैटेजी पे एक दरवाजा लगा दिया है. तो इंडिया में हो सकता है आपको अभी भी रिजल्ट मिले, बिकॉज गूगल का कोई भी एल्गोरिदम आता है तो वो फेजेस में आता है. ठीक है, मतलब गूगल एल्गोरिदम पहले यूएस में लॉन्च करता है, फिर यूके में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो इंडिया में आते आते अभी इसको टाइम लगेगा, 2-4-6 महीने, इससे ज्यादा नहीं. इंडिया में हो सकता है कीवर्ड इन बिजनेस नेम आगे चले, चल रहा अभी. लेट्स 2022 की आगे बात करेंगे. 2021 में कीवर्ड इन बिजनेस नेम चलता था. मैंने जितनी कंसल्टिंग करी है हर किसी के बिजनेस के नाम में मैंने कीवर्ड डलवाया है. आज भी इंडिया का अगर कोई क्लाइंट मुझे बोलेगा तो मैं उसका ये चीज डलवाऊंगा, फॉर श्योर डलवाऊंगा. ठीक है, स्लाइटली ग्रे हैट पर ये चलता है और कुछ टाइम और चलेगा इंडिया में. यूएस में ये गलती मत करना आप, वो आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई एम श्योर एवरीबडी वुड हैव गिवन यू एडवाइस ऑफ गेटिंग रिव्यूज. रिव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, रिव्यूज आपको डलवाने ही पड़ेंगे, जेन्युइन रिव्यूज आपको डलवाने ही पड़ेंगे. आइडियल वे टू गेट रिव्यूज इज आस्क योर कस्टमर्स टू प्रोवाइड यू रिव्यूज ओवर अ डायरेक्ट मैसेजिंग ऐप. इंडिया में व्हाट्सएप चलता है, यूएस में जो उनका आई मैसेज होता है, जो एप्पल पे मैसेज होता है, वो चलता है. ठीक है, आई यूज टू एंश्योर कि मैं अपने कस्टमर को एक लिंक क्रिएट करके दूं और उसके साथ एक स्क्रिप्ट दूं, जो स्क्रिप्ट वो अपने हर कस्टमर को भेजे. उस स्क्रिप्ट में मैं स्लाइटली इंटेलिजेंटली आई यूज टू मेक श्योर
सी रिव्यू ना मल्टीफोल्ड गेम है, आपको रिव्यू भी चाहिए, रिव्यू में रेटिंग भी चाहिए, रिव्यू में जो टेक्स्ट आ रहा है उस टेक्स्ट में कीवर्ड भी चाहिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट भी चाहिए, तो आपको ये सारा कुछ इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है. सो माय स्क्रिप्ट यूज टू लुक लाइक हाय जॉन, इफ यू लाइक डार कार वॉशिंग सर्विसेज, डू गिव अस 5-star रेटिंग, डू मेंशन अबाउट आवर सर्विस एज वेल. सो माय स्क्रिप्ट यूज टू लाइक लुक लाइक दिस. सो एंड यू विल एज अ मार्केटर यू विल हैव टू पुश योर क्लाइंट टू गेट दोज रिव्यूज. अगर आप रिव्यूज नहीं लाएंगे और लिस्टिंग को रैंक कराने की कोशिश करेंगे तो आप एक ऐसी बैटल लड़ रहे हैं जिसमें आप एक हाथ से लड़ रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज द राइट, आई वुड से 50% ऑफ द गेम. अगर आप रिव्यूज को अच्छे से खेल लेंगे तो आप रिव्यूज के बेसिस पर रैंकिंग अचीव कर जाते हैं, ठीक है. अब रिव्यू में 2-3 पैरामीटर्स होते हैं. एक रिव्यू का पैरामीटर होता है रिव्यू का रेटिंग, ठीक है. आपकी अच्छा ये इमेज मैंने बहुत स्पेसिफिकली ढूंढ के लगाई है. 5 out of 5 stars इज अ बिग नो, ठीक है. आपकी रेटिंग में 4.9 4.7 ही होना चाहिए. आपके कुछ रिव्यूज 2-star 1-star होने चाहिए, ठीक है. अगर आप उनको इन सब चीजों को फैब्रिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी लिस्टिंग के साथ काम करता था, आई यूज टू कॉल इट अप की वार्म अप फेज ऑफ 100 reviews. सो आई यूज टू मेक श्योर कि मेरी हर लिस्टिंग पे 100 reviews आ जाते हैं, और नॉट इन वन डे, स्प्रेड अक्रॉस अ मंथ, ठीक है. मेरा पहले महीने का टारगेट होता था कि गेटिंग दैट लिस्टिंग 100 reviews, ठीक है. वो 100 reviews में बहुत सारी लिस्टिंग रैंक होगी, ठीक है. 100 reviews कराना आसान काम नहीं है, क्लाइंट्स नहीं मानते, ठीक है. आपको उनको समझाना पड़ता है कि गेटिंग रिव्यूज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इज ओके, ठीक है. हर किसी के दोस्त होते हैं यार, क्लाइंट के रिव्यू, मतलब मैं उनकी फ्रेंड लिस्ट में जाके उनको मैसेज सेंड करवाता था कि प्लीज सेंड दिस मैसेज टू दीज मेनी पीपल, ठीक है. कुछ यस आई यूज टू आई हैव बॉट सर्विसेज एज वेल, अपने अकाउंट्स भी हैं मेरे पास US में जिनके थ्रू मैं रिव्यू डाल देता था, ठीक है. बट इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन. जेन्युइन उसमें 80% ही रहेगा. आप सोचो यार, 80% में नॉन जेन्युइन काम कर लूं और 20% जेन्युइन काम करूं, या 100% नॉन जेन्युइन काम कर लूं, नहीं चलेगा. सो करना भी मत. आप लिस्टिंग को रिस्क कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हैं हम एक लिस्टिंग में और उसको हम रिस्क कर रहे होते हैं ये सब एक्टिविटी करके, ठीक है. तो मैंने तो कभी नहीं करा, ना ही मेरे से हो पाता, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता, ठीक है. सो अगर मैं 100 reviews डाल रहा हूँ तो उसमें से 20 reviews हो सकते हैं मैंने खरीदे हुए वाले डाल दिए, पर 80 reviews में जेन्युइनली, अब मेरी जेन्युइन की डेफिनेशन अलग है. अगर मैं उस क्लाइंट के फ्रेंड से रिव्यू डलवा रहा हूँ तो वो मेरे लिए जेन्युइन रिव्यू है, मेरे लिए वो नॉन जेन्युइन रिव्यू नहीं है, ठीक है. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई ये भी तो नॉन जेन्युइन है. इन माय आईज दोज आर जेन्युइन रिव्यूज, बिकॉज वो एक जेन्युइन यूजर एक्टिविटी से जनरेट हो रहे हैं. सी गूगल आपको जज करता है टेक्नोलॉजिकली, सो आपको टेक्नोलॉजिकली जेन्युइन रिव्यू चाहिए, अगर मैं किसी दोस्त से रिव्यू डलवा रहा हूँ, फ्रेंड ऑफ द क्लाइंट, सो वी यूज्ड टू सेंड देम दैट रिव्यू एज वेल इन द इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कि भाई ये रिव्यू डालना है, और काम सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है. एंड writing those 100 reviews is not a problem at my end. I can do it within 1 hour. ठीक है. In fact, मेरे तो review same है. मैं तो उन्हें client का सिर्फ नाम बदलता हूँ और मेरी template बनी हुई है. I have a template of 100 reviews. I just change the client's name and send it to a different client. So that level of automation is there with me and हो जाता है काम. Effort लगता है, हो जाता है. Trust me, बहुत सारी listing low कॉम्पिटिशन लिस्टिंग, अगर आपने 100 reviews एक महीने में डलवा लिए, वो वही रैंक हो जाएगी, ठीक है. सो द नेक्स्ट पैरामीटर दैट आई वाज कमिंग वाज एक पैरामीटर जो इग्नोर्ड, बहुत ज्यादा इग्नोर्ड पैरामीटर है, रिव्यू वेलोसिटी. रिव्यू वेलोसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पैरामीटर इन GMBs. रिव्यू वेलोसिटी का मतलब ये है, आपने लास्ट एक महीने में, एक हफ्ते में कितने रिव्यूज गेन करे. गूगल इंटरनली ये कैलकुलेट करता है, हर लिस्टिंग पे, हर लिस्टिंग की रिव्यू वेलोसिटी कैलकुलेट करता है. तो आप भी अपने कंपटीशन की रिव्यू वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो,
और वो रिव्यू वेलोसिटी आपको अपने कंपटीशन से बेटर करनी है, ठीक है। अगर आपका 100 रिव्यू के बाद लिस्टिंग नहीं रैंक हो रहा, तो इंश्योर करो कि आप अपने कंपटीशन से बेटर रिव्यू वेलोसिटी पे रिव्यूज डाल रहे हैं। आई हैव सीन अनदर सेट ऑफ लिस्टिंग्स जो दो से तीन महीने में आ जाती हैं अगर मैं रिव्यू वेलोसिटी को मेंटेन करता हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट वाज रिव्यू वेलोसिटी। क्लिक थ्रू रेट इज स्लाइटली, मतलब वैसे तो नाम से ही बहुत क्लियर है कि क्लिक थ्रू रेट का मतलब एसईओ में या डिजिटल मार्केटिंग में इतना सा होता है कि आपका लिस्टिंग दिखा और उस पर क्लिक हुआ नहीं हुआ, मतलब 100 लोग आए, 100 लोगों में से अगर 20 लोगों ने क्लिक करा तो आपका क्लिक थ्रू रेट 20% हो जाएगा, ठीक है। सो क्लिक थ्रू रेट एक ऐसी चीज है जो एसईओ में भी इस्तेमाल होती थी। अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है तो आप उस पर अलग अलग आईपी से क्लिक करवा दोगे तो वो वेबसाइट ऊपर आ जाती है, आज भी आ जाती है, ठीक है। YouTube वीडियोस में भी ये स्ट्रैटेजी यूज होती है, ठीक है। सो जीएमबी में भी ये स्ट्रैटेजी यूज होती है और ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है। ये द ओनली थिंग इज यू विल हैव टू ऑपरेट अ सिस्टम दैट इज स्मार्टर देन गूगल्स बॉट्स टू अंडरस्टैंड। हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार जो जीएमबी लोकल एसईओ का एल्गोरिदम है ना और जो नॉर्मल एसईओ का एल्गोरिदम है वो जमीन आसमान का फर्क है यार। लोकल एसईओ का एल्गोरिदम अभी बच्चा है, अभी वो पैदा हुआ है, अभी उस एल्गोरिदम की इतनी स्मार्टनेस नहीं है, उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस एल्गोरिदम में लूपहोल्स है। सीटीआर आज काम इसलिए कर पा रहा है, नॉर्मल वेबसाइट पे इसलिए काम नहीं करता क्योंकि नॉर्मल वेबसाइट का एल्गोरिदम हैज गॉन थ्रू इमेंस चेंजेस एंड इमेंस रिगरस पीपल वर्किंग आफ्टर दिस आफ्टर दैट। जीएमबी लोकल एसईओ का जो एल्गोरिदम टीम है वो उस टीम के मुकाबले 100th भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उस एल्गोरिदम में जो स्ट्रैटेजीज पुराने टाइम पे वेबसाइट को रैंक करने में काम आती थी वो वहां काम करती है। सीटीआर इज अ एज ओल्ड, सीटीआर बहुत लोग ना पैकेज करके नई चीज करके बेच रहे, नई चीज नहीं है कोई कुछ भी। सीटीआर सीटीआर यूज टू वर्क 10 years 15 years 20 years डाउन द लाइन, इट यूज टू वर्क वेरी ब्यूटिफुली फॉर वेबसाइट्स। आज की डेट में ये जीएमबीज के लिए काम करता है, सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। मैं कैसे करता था, मैं तो एक सर्च का बिटली बना लेता था। लेट सपोज मैं ये डेंटिस्ट नियर मी का ही चला रहा हूँ, तो मैंने गूगल पे डेंटिस्ट नियर मी सर्च करूंगा, उस पेज का यूआरएल कॉपी करके उसका बिटली बना लेता हूँ और वो बिटली मैं लोगों से क्लिक करवाता था उनके फोन से, ठीक है। आई यूज टू इंश्योर, इनफैक्ट मैं जब रिव्यू लेता था तो मैं रिव्यू में जो गूगल के जीएमबी में रिव्यू कलेक्ट करने का लिंक होता है वो नहीं यूज करता था, आई यूज टू यूज दिस बिटली। तो मेरे दो काम हो जाते थे, सीटीआर भी मिलता था और रिव्यू भी मिलता था, और एक लूप भी मिलता था कि बंदे ने सर्च करा और फिर रिव्यू दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बंदे ने सर्च करा और फिर रिव्यू दिया। सीटीआर अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटीआर के बाद एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है। हम जैसे बॉट्स बनाते हैं ना, तो बॉट्स ऐसी बनाते हैं कि वो कहीं पे भी जाएं और थोड़ा एक्टिविटी भी करके आए। सो ये एक नेचुरल बॉट क्रिएट करा, इस बॉट एक बॉट भी नहीं बोलूंगा, एक वॉक थ्रू क्रिएट करा मैंने। तो मैंने अपने जेन्युइन क्लाइंट से एक पाथ में काम करवाया जो पाथ गूगल को मजा आता है जिस पाथ में, ठीक है। सो जो गूगल को अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये चीज हो रही है तो ये जेन्युइन है। गूगल के रैंकिंग एल्गोरिदम में वो एक पैरामीटर है कि यार जिसके साथ ये हो रहा है वो अच्छा है, तो बस मैंने वो फिगर आउट कर लिया और इट इज वेरी लॉजिकल, ठीक है। मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये तो बहुत मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब मुझे तो ऐसा लगा ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन हार्दिक जी, आपने आपने इसको फिगर आउट करने में टाइम लगाया होगा, एंड आई फील लाइक ये सेशन जो हमारा जा रहा है, आई फील लाइक लोकल एसईओ हैक सेशन। मतलब आप कुछ चीजें जो आपको मे बी आपके लिए इजी लग रहा होगा या कॉमन सेंस टाइप का लग रहा होगा, बट आई फील लाइक देयर ऑल कमिंग आउट लाइक सम हैक्स जो मतलब दिस टाइप ऑफ थिंग्स एनीवन कैन इजीली इंप्लीमेंट। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सिस्टमैटिकली काम करना पड़ेगा। आई थिंक गाइस आर एग्रीइंग विद इट, प्लीज कमेंट ऑन दिस, यू आर फीलिंग लाइक इट्स लाइक सम टाइप ऑफ हैक्स बीइंग शेयर्ड बाय हार्दिक जी। यू कीप कमेंटिंग एंड या हार्दिक जी प्लीज कंटिन्यू। श्योर, द ओनली प्रॉब्लम विद हैक्स
इज हैक्स के साथ ना एक नेगेटिविटी सी जुड़ी हुई है गोवर्धन, इसलिए मैं उनको कभी भी हैक्स नहीं बोलता। हैक बोलने वाले को ना उनको लगता है यार ये बंदे ने कुछ जुगाड़बाजी कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है। तो ये जुगाड़ नहीं है, आई 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 फेल्ट दैट दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस, मतलब ये बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं। व्हाट हैपेंड इज जब नहीं, लेकिन क्यों आशीष मैं क्यों बोल रहा हूँ, हैक वर्डिंग शायद हो सकता है वैसा लोग लेते होंगे, बट अभी आपसे सुन रहे हैं देन डेफिनेटली उनके लिए जो रास्ता है ना बहुत शॉर्टकट बन गया, तो हैक ही हो गया, मतलब दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ट्रू ट्रू ट्रू, शायद मेरे लिए हैक नहीं था, जिनको मैं बता रहा हूँ उनके लिए शायद हैक है। हाँ दैट्स व्हाट आई मीन टू से, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कि मेरे लिए तो यार वो बहुत ऑर्गेनिकली हुआ, मतलब मैं लॉजिकली एक स्टेप से अगले स्टेप पे जाता चला गया, और आज भी मेरे साथ वही होता है। मैं कोई नई चीज, जैसे नंबर अप्रूवल है, नंबर अप्रूवल हैज बिकम अ बिग बिग हेडेक फॉर एवरीवन। मतलब नंबर अप्रूवल की कॉल, मुझे पता है सामने वाला क्लाइंट मुझे 5,000-10,000 दे देगा सिर्फ उसका नंबर अप्रूव करवाने का, आई डोंट गेट इन टू इट, और मेरा एफर्ट भी नहीं लगना, मुझे पता है यार काम ही नहीं है नंबर अप्रूवल करवाना, इज नॉट अ काम, मतलब ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है। सपोर्ट से अगर आपका जेन्युइन काम है, सपोर्ट से अप्रूवल करा लो यार, ठीक है, सपोर्ट दो चार बातें पूछेगा करवा लो। लोग नहीं करते, लोग नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मे बी मतलब कोई, एंड अगेन दैट इज द अपॉर्चुनिटी, अगर सब काम करने लगेंगे तो फिर काम पैसे कैसे बनेंगे, तो है ही, तो दैट इज हाउ इट इज गाइज। 2021 में मैंने सिर्फ प्राइमरीली बोलूंगा इन तीन स्ट्रैटेजीज पे काम करा, मैंने और ज्यादा चीजें नहीं करी। आप आई डोंट नो, अगर आपको लगता है कोई और चीज पे हमें बात करनी है तो आप 2021 के बारे में, 2022 पे बात करेंगे, 2021 में दीज थिंग्स वर्क फॉर मी, यू कुड टेल मी इन चैट व्हाट वर्कड फॉर यू, अगर कोई आपकी चीज है आई कुड एड माई व्यू ऑन दैट, तो आप चैट में मुझे बता सकते हैं भाई आपके लिए क्या काम चला, आपके लिए क्या लोकल एसयू में अपना ऐसा क्या करा जो आपके लिए काम करा, एंड प्रोबेबली अगर मैंने भी वो चीज करी होगी तो आई कुड एड माय पॉइंटर्स टू दैट, सो आप चैट में मुझे वो समझा सकते हैं एंड वी कुड टॉक अबाउट इट, और एनीथिंग व्हिच डिड नॉट वर्क्ड और समथिंग ऑफ कंसर्न आल्सो यू कैन ऐड इट राइट। क्या बेसिक चीजें ना सबको पता है, तो मैं बेसिक चीजें नहीं बोलूंगा, मतलब जो कि मेरे लिए जिन्होंने डिफरेंस बनाया, ठीक है, कीवर्ड मतलब मैं इसको अगेन व्हाइट हैट ब्लैक हैट ग्रे हैट, मुझे ये सब वर्ड्स में भी ज्यादा मजा नहीं आता, तो मैं ये ज्यादा वर्ड्स भी यूज करने में बिलीव नहीं करता। सो दीज थ्री थिंग्स वर्क फॉर मी, मतलब मैंने ये तीन चीजें हर लिस्टिंग के साथ करी है, और इसके अलावा भी चीजें करी हैं, बट ये तो सभी के लिए करी है, ठीक है, एंड इसमें डेप्थ समझना यार, मतलब रिव्यूज इज नॉट जस्ट रिव्यूज, गेटिंग दोज 100, मैं उनको सीड रिव्यूज बोलता हूँ, मैं तो किसी क्लाइंट को समझाता हूँ, सो आई डेवलप माई इंटरनल टर्मिनोलॉजी व्हेन आई ऑपरेट, व्हेन आई यूज्ड टू डू कंसल्टिंग, सो आई यूज टू टेल देम कि यार ये 100 सीड रिव्यूज है, अब अपने आप समझो ना, वो इट्स ऑल अबाउट सेलिंग वॉट यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड। So Gaurav Jeet is saying, I created a listing for a client, but it is not approved yet. Gaurav Jeet, agar genuine listing hai, aaj ki date mein agar koi nayi listing banani hoti hai, I create citations first. Citations ka matlab ye hota hai ki jo aur websites hoti hai, Facebook, listing websites jo hoti hai, un pe main pehle account banata hu, fir listing banata hu, to wo listing jaldi approve ho jati hai. To agar aapne citations nahi banayi hai, citations aur website, ये 10 साइटेशन बना लो मोस्ट कॉमन एंड वेबसाइट, एंड फिर लिस्टिंग को अप्रूव करवाने की कोशिश करना, मोर देन ऑफन 90% चांसेस आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी। आशीष इज आस्किंग, डज डोमेन एक्सटेंशन प्लेज एनी रोल व्हेन लिस्टिंग बिजनेस ऑन GMB? नॉट रियली, अगर .com, .in, .io ये सब के बारे में नहीं फर्क पड़ता। हाँ ऑब्वियसली आप ये नहीं कर सकते भाई, इंडिया में स्विट्जरलैंड का डोमेन नहीं चला पाओगे, वो नहीं करना, एंटी नहीं चलेगा, बट मैं इंडिया में .in चला रहा हूँ, .com चला रहा हूँ, या अगर मैं US में हूँ तो .us से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत सोच है कि भाई उससे कुछ .in, that's an advantage is not there. .in को advantage नहीं मिलेगा।
नॉट इन लोकल SEO, उसकी SEO में एडवांटेज होती है और वो भी डायरेक्ट एडवांटेज नहीं होती, परसेप्शन एडवांटेज होती है सर। ठीक है, एज कंज्यूमर मैं US में बैठा हूँ और मैं .us देखूंगा तो मेरा उस पर क्लिक करने का इंटेंट बढ़ जाता है, नथिंग एल्स। रवि इज आस्किंग व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ GMP रैंकिंग इन एन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। रवि, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस तो नहीं कह सकता, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यार, मेरे लिए ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, काम करिए। मैं आंख बंद करके ये तीनों चीजें सब लिस्टिंग के लिए करता हूँ यार। क्वेश्चन आंसर करें तो इट्स लाइक रिव्यूज पे भी फोकस करना पड़ता है ना, सीड रिव्यूज आप जो वर्डिंग यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं हर लिस्टिंग जिस पे मैंने काम करा है उस पे 100 रिव्यू डलवाने का काम करता ही था। आई नो वो बहुत पेनफुल काम होता था, बिकॉज आपको कस्टमर से वो काम करवाना, आपके अपने क्लाइंट एंड क्लाइंट से करवाना पड़ता, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपने एंड क्लाइंट से करवाना है। क्लाइंट कहता फिर भाई मैंने आपको क्यों रखा है, जैसे बहुत कॉमन सवाल आता है कि भाई अगर मुझे ही करना था तो फिर मैंने आपको क्यों रखा है। सो इट यूज टू हैपन बट दैट इज हाउ इट इज। सो रवि, ये तीन चीजें, इसके बियॉन्ड भी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक बहुत अच्छी चीज दिखा रखी है, विल गेट टू दैट, बट दीज थ्री थिंग्स नॉट इन एनी ऑर्डर। सो आई यूज टू डू ऑल थ्री ऑफ देम फॉर एवरी लिस्टिंग। What is number approval? Prashant, India में spammers भर भर के बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इतनी GMB listing बना दी है कि GMB का support overwhelm हो गया, और Google अपने official statement में ये कहता है India में number approve नहीं करूँगा। आज आप कोई भी नई GMB listing बनाएंगे उसका number approve नहीं होगा, ये Google के official pages पे लिखा हुआ है कि India, स्पेसिफिकली इंडिया को हम स्पेशली डील कर रहे हैं इसलिए हमने नंबर अप्रूव करने बंद कर दिए। सो नंबर अप्रूवल का मतलब यह है कि GMB में एक नंबर होता है, कॉल बटन होता है। वो नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कॉल टू एक्शन है, मतलब मैं GMB रैंक तो करा लूंगा पर कस्टमर मेरे को रीच आउट कैसे करेगा, एक फोन नंबर से ही तो करेगा ना, तो वो फोन नंबर ही नहीं दिखेगा तो रैंक करवा के भी कोई फायदा नहीं। तो वो नंबर नहीं आ रहा है आजकल, वो नंबर अप्रूव करवाने के लिए मैनुअल प्रोसेस में जाना पड़ता है। मैनुअल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आई वॉज गिविंग गौरव जी द सजेशन कि पहले साइट पे काम करो, फिर साइटेशंस पे काम करो, और फिर आप अपनी GMB बनाओ, तो नंबर अप्रूव का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है, आसान हो जाता है। एक छोटा सा हैक ये भी है कि आप लैंडलाइन नंबर यूज करो, अपने एरिया का लैंडलाइन नंबर यूज करो। Awesome, I think Hardik, we can go ahead with the 2022 wala part. Sir, we'll again get into discussions. Yeah. Absolutely, absolutely. Guys, my internet pe ye jo link hai, isse zyada comprehensive guide for local SEO nahi milegi aapko. Aap ye link zarur dekhe. Matlab, ye link 2018 ka hai. Moz ne 2018 mein एक स्टडी करी थी कि कौन सा पैरामीटर, जैसे मैंने अभी तीन पैरामीटर दिखाए थे ना कि बिजनेस में कीवर्ड, रिव्यूज और CTR। सो इन्होंने इतनी, मतलब इस आई हैवंट कम अक्रॉस एनी रिसोर्स विच इज डीपर देन दिस। यस, वो 2018 का है तो वो, गाइस गिव मी 5 मिनट्स, आई विल जस्ट फेच सम वाटर सो दैट वी कैन रन स्मूथली। Govardhan, yeah. You can have a 5-minute live chat. Give me 5 minutes. Yeah, sure. अब तक के लिंक अगर टाइप कर पाएंगे आप लोग तो मैं टाइप करके दे देता हूँ चैट में, यू कैन क्लिक इट। ऑलरेडी कोई कर दिया, थैंक यू समीर। हाय सर जी। हेलो गोवर्धन जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर। Just joined the session. I thought this is very close to my heart. Let's see what somebody is adding. It's always good to get some more knowledge from the experts. Definitely. Abhi SEO, matlab you are also into SEO and all. It's always good to meet like-minded people. Matlab knowledge ek cheez hota hai aur ek dusre ko jante hai na, like do. इतना मतलब वी नो दैट
people are in that same industry but hum mile nahi hote, aisa bhi kai bar hota hai. SEO for Karni is something like the first love. Still. There are a few services which we own, nourish like our own baby, and SEO is one of them on the top. Yeah, definitely, Sarji. Yeah, Hardik, yes, carry on. Hi. I hope Madhusmita, आप हैं session में because ये particular slide के ही बारे में मैं बात कर रहा था. This yes, slide. Line. आप ये link जरूर देखें यार. मतलब मैं trust me, आज भी अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ, कोई मुश्किल listing है जिसको मैं rank नहीं करा पा रहा, I do not go to any other resource. This is my go to hack. मेरा ये hack है यार. जो हम hack की बात कर रहे थे ना, मेरा ये hack है. ये इतनी comprehensive guide है. Many people, मतलब सर्च इंजन टेबल और सब लोगों ने बहुत सारे नए आर्टिकल्स लिखे हैं. आज हम 2022 में बैठे हैं. ट्रस्ट मी, मैं 2018 का आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ. तो yes, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई होगी, पर जिस लेवल ऑफ डेप्थ पे इस लिंक पे चीजें समझा रखी हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी. कहीं और नहीं मिलेगी. मतलब दिस इज द गोल्ड माइन. ये ओल्ड है पर ये गोल्ड है. So, do mark this. मतलब मैं this is the thing यार. आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, इस लिंक को जाके समझो और लोकल SEO एक्सपर्ट बन जाओगे आप. मतलब that is how this is. ठीक है. इस लिंक की see, मैं आपको उसका रीजन भी समझाता हूँ. जब हम कोई भी चीज को कोड करते हैं ना, तो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और वो पैरामीटर्स उस एल्गोरिदम से हटाने एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम होता है. बहुत मुश्किल चीज होती है. ठीक है. हम जब कोई बेस बनाते हैं ना, मतलब मैं बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूं तो मैं एक पिलर हटा नहीं सकता, मुझे हर पिलर रखना पड़ेगा. सो इस एल्गोरिदम ये जो आर्टिकल है, इसने वो पिलर्स पॉइंट आउट कर रखे हैं, पिलर्स पकड़ रखे हैं. गूगल बाद में एक पिलर को छुपा सकता है या उसकी वेटेज कम कर सकता है, पर उसको ऑल टुगेदर हटा नहीं सकता क्योंकि एल्गोरिदम्स आर कोडेड इन दैट मैनर. ठीक है. अगर कोई यहाँ पे कोडर है तो वो ये बात ज्यादा बेटर समझता होगा. इफ आई हैव कोडेड एन एल्गोरिदम, मैंने उसमें कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, वो वेरिएबल्स मैं बाद में एक साल, छह महीने, दो साल बाद हटा ही नहीं सकता बिकॉज मैंने उसके ऊपर इतनी सारी चीजें बिल्ड कर दी होंगी. ठीक है. उसकी वेटेज कम कर सकता हूँ, उसको थोड़ा साइडलाइन कर सकता हूँ और नए वेरिएबल्स इंक्लूड कर सकता हूँ. ठीक है. सो इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करा था. सो डू विजिट दिस एंड देर आर प्रोबेबली 100 पैरामीटर्स मेंशन्ड ओवर देयर. उन हर पैरामीटर को आप समझना और आई एम हैप्पी कोई मेरे साथ इस पे डिस्कस करना चाहे. कोई आप मुझे पॉइंट बोलो कि भाई ऑफलाइन ऑब्वियसली नॉट इन दिस मीटिंग कि सर ये इसमें पॉइंटर कौन सा है, इस ये वाला पॉइंटर समझ नहीं आ रहा. विल आई एम हैप्पी टू गेट ऑन अ 1-to-1 कॉल एंड अंडरस्टैंड दैट पॉइंटर. मैं उन एक एक पॉइंटर को मैंने जाके समझा है, इसलिए प्रोबेबली शायद मैं यहाँ सेशन लेने के सिचुएशन में बैठा हुआ हूँ. सो शायद खाली था इतना या बहुत ज्यादा खाली टाइम था इसलिए मैं R&D कर रहा था, पर मजा आ रहा था. सो एज आई मेंशन, मेरे लिए वो प्रोसेस सुपर ऑर्गेनिक था. मुझे वो पढ़ने में, मुझे वो डीप डाइव करने में बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं करता ही चला गया. एंड प्रोबेबली आई वाज एबल टू फिगर आउट फ्यू थिंग्स जो शायद और लोग मिस कर देते हैं. जैसे रिव्यू वेलोसिटी इज वन सच पैरामीटर. आई डोंट सी एनीवन मेंशनिंग दैट. कोई उस बारे में बात ही नहीं करता एंड वो इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. आप लॉजिकली सोचो ना, मेरी लिस्टिंग पे 10 रिव्यू आ रहे महीने में और मेरे कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग पे 8 रिव्यू आ रहे महीने में, तो गूगल मुझे प्रेफरेंस देगा नहीं देगा? नेचुरली देगा. और ये नंबर्स मीट करने ज्यादा मुश्किल नहीं होते और ये नंबर्स एस्ट्रोनॉमिकली लो होते हैं. ट्रस्ट मी, आप अपने जब आप रिव्यू वेलोसिटी कैलकुलेट करने लोगोगे ना, लोगों की रिव्यू वेलोसिटी आती है 2 रिव्यू एक महीने में रैंक्ड लिस्टिंग्स की. क्योंकि उन जो रैंक्ड लिस्टिंग होती है ना, वो क्या करती है, रिव्यू पे फोकस करना बंद कर देती है, रिव्यू वेलोसिटी पे फोकस करना बंद कर देती है. एंड देयर इन योर अपॉर्चुनिटी. आपको वही चीज तो करनी है जो रैंक्ड वाले लोग नहीं कर रहे. वही चीज करके ही तो आप उनको डी रैंक कर पाओगे. सो
I'll come to what should work in 2022. Sorry. So again, मैं जब जब गोवर्धन ने मेरे से इस सेशन की ट्रांसक्रिप्ट मांगी थी तो मैंने एक गलती करी. आई रोट व्हाट विल वर्क इन 2022, बट आई थिंक व्हाट शुड वर्क शुड बी द राइट थिंग. व्हाट विल प्रोबेबली वाज एन इगोइस्टिक स्टेटमेंट, सो आई करेक्टेड मायसेल्फ व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस पीपीटी. सो व्हाट शुड वर्क इन 2022. CTR will be a primarily strategy. Matlab, CTR is going to be something that will impact a lot. And main ye, matlab, this is, give me a yes in the chat who understood CTR or who have worked with CTR. Let's do a poll. Kitne logon ne CTR kara hai? I have one yes. मुझे देखना है कि भाई 18 लोगों में 2 कितने लोगों ने CTR करा है. 3 एनीवन एल्स? आई थिंक दैट्स इट. प्रोबेबली मी. 4 गोवर्धन, हैव यू ट्राइड CTR? सो 4. सो सी गाइस, मतलब हम सब लोग, आई एम श्योर हमारा SEO या फिर डिजिटल मार्केटिंग से तो कनेक्शन है ही. तो 4 लोग 18 में से एक बहुत छोटा नंबर है जिन लोगों ने ये चीज करी है, इसलिए CTR काम करेगा. CTR स्लाइटली एडवांस, आई वोंट कॉल इट वेरी एडवांस. जब हम CTR के टूल्स में जाने लगते हैं ना तो एडवांस हो जाता है. अगर मैं उसको आपको बोलूं यार एक लिंक का बिटली बना दो और वो 10 लोगों से क्लिक करवा दो हर महीने, तो वो एडवांस नहीं होता. तो CTR इसलिए काम करेगा क्योंकि बहुत लोग CTR नहीं करते. So that's why it will work. It is probably one of the most genuine thing that you can do, which is technical भाषा में grey hat black hat कुछ भी बोल लो, but Google उसका कुछ नहीं कर सकता. Google बस ये कर सकता है कि भाई CTR को बंद कर दे भाई जिसके पास, और वो Google करना नहीं चाहेगा because that is saying कि genuine traffic भी आ रहा है तो भी उसको उस listing को ऊपर ना लाओ. ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक और दिस रवि ग्रे. हाँ, ग्रे क्यों भाई? मैं अपने दोस्त से अपनी लिस्टिंग को सर्च करवा रहा हूँ वो ग्रे कैसे है? मतलब मैं अगेन ये वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग से है, ठीक है जैसा है, बट I still feel कि भाई it is one of the most genuine thing. भाई मैं let's suppose मैं ये session ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों से ही एक activity करवा दूँ जिसमें मैं वो search करवा दूँ, तो मेरे को तो 20 लोगों का CTR मिल जाएगा ना. And I used to do this. जब मेरे को अपनी listing rank करवानी होती थी तो मैं तो कोई ऐसा session attend करता था और उन session में लोगों से ही activity करवा देता था. So how can that be grey? But it's absolutely white hat, yeah. I'm so sorry. I don't know if you can hear me. I can. I'm actually traveling right now, so I hope I'm clear. Yes. So what I mean to say is, as long as it is natural, if you don't repeating the clicks from the same IP or you know repeatedly doing something, and if you can make sure it is natural enough, I think it's completely fine. But right. Don't take it too easy, and don't keep repeating. Ask the same friend to do it, and from the same IP. You know, it could get into gray and you could get into trouble. That's what I think. True. And trust me, aapko zyada numbers nahi chahiye. Matlab maine maximum clicks agar kisi pe dalwaye honge to 100 ek mahine mein dalwa di honge. Regularity important hai. Kya aap 100 clicks every month dalwa rahe ho? Ye important hai. 3 mahine karke to dekho. So chote aur acha CTR bhi aap brand name pe dalwaye hamesha. ठीक है, ब्रांड नेम पे या कीवर्ड पे. ठीक है, ब्रांड नेम और कीवर्ड, दैट इज द CTR मैजिक ट्रिक. द मैजिक ट्रिक इज ब्रांड नेम, क्योंकि एक स्टेटमेंट हर किसी ने सुनी होगी, गूगल लव्स ब्रांड्स. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत एप्टली फिट होती है कि गूगल को अच्छा लगता है कि आपका बिजनेस आपके नाम से सर्च हो रहा है. सो गूगल को इस चीज में बहुत मजा आता है. अगर
ए बिजनेस को उसके नाम से 100 लोग सर्च कर रहे हैं, बी बिजनेस को उसके नाम से 500 लोग सर्च कर रहे हैं, चाहे वो 500 मैं अपने जान पहचान के लोगों से करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो 500 वाला फेमस हो जाएगा, मतलब वो गूगल उसी को दिखाएगा हमेशा, ठीक है. सो सीटीआर इज प्रोबेबली वन ऑफ द थिंग्स विच विल. यस पवन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क. You can ask 100 of your friend to click through this, but I totally agree with Ravi that the person who you have just spoke with, that yes, in that way it's 100% gray in my thinking, because ultimately these are not the people with whom we are targeting or my customer is looking for. Suppose my customer is a car washer, so who are my genuine customer? Those people who have a car or those who want to wash the car. But मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग माई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और हूएवर, बिकॉज आई हैव अ बिग कनेक्शंस, कि भाई प्लीज क्लिक ऑन दैट एंड आई एम गेटिंग दैट. सो इन दैट वे इट इज एब्सोल्युटली अ ग्रे हैट एंड इट कैन गो इन ब्लैक, नो इशू, बिकॉज जेन्युइनली इट्स नॉट अ नेचुरल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स इन एसयू वर्क, बिकॉज वी ऑल्सो इन दिस थिंग एंड द दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस सेशन, बिकॉज वी आर इन टू दिस बिजनेस इन 2009, राइट. Wow. So and SEO is one of our prime services. So I really wanted to look after all these things, because you are a person with whom I have great expectation to learn a lot of things. So just adding my point and sharing my views, nothing against you and all that. Just not wanted at all, to see. Not at all. Thank you. Definitely, sir ji, aisa kuch nahi hota hai, kyunki definitely we all have different experiences, and har koi and marketers, believe me. मार्केटर्स, अगर कोई मार्केटर बोल रहा है ना मैं किसी और से नहीं सीखता हूँ तो एकदम झूठी बोल रहा है. एनी वन, मैं भी हार्दिक को नहीं, मेरा ना, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ. दो आई डोंट नो, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू लर्न. लुक, नो मैटर मैं 50 साल से कर रहा हूँ या 20 साल से कर रहा हूँ, नंबर्स इज गुड फॉर सम हैप्पीनेस. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर लर्निंग, वेदर इट्स वर्किंग फॉर माई क्लाइंट और माई बिजनेस और नॉट, अदरवाइज आप 12 साल से कर रहे हो या 12 महीने से कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको. Absolutely, absolutely, sir ji. Yes. I totally agree with you, Israt. मैंने भी CTR, मैंने CTR word ही जो foreign के ये so called experts होते हैं, उन लोगों से ये term ही पहली बार ही सुनी मैंने. So when I deep dived onto this term, I understood it is nothing. It is just getting a person search for your business and getting a click. और वो उस चीज को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल कर रहे थे. मुझे लगा मैं उस पूरे प्रोसेस को नेचुरली ही रेप्लिकेट कर सकता हूँ, बिकॉज नंबर्स ही नहीं चाहिए. right. मैं ग्रे हैट, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, एक्चुअली मैं, मतलब मुझे ना ये वर्ड्स से एसेंशियली प्रॉब्लम है. मतलब बहुत लोग, मतलब इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर मी आई विल डू इट. मतलब मेरी यार, मेरी एथिकल बाउंड्रीज बहुत है. समझ रहा हूं, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो. हाँ, आई एम. ठीक है हार्दिक जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड हियर ना, एथिकल बाउंड्रीज ना मार्केटिंग में एथिकल वाला चीज मुझे बहुत ही, मतलब ना, इट लुक्स वेरी वेरी ऑकवर्ड. फेसबुक क्या कर रही है, फेसबुक का कोई एथिक्स है क्या, वो एड चला रहे क्या, चला रहे. गूगल का खुद का एथिक्स है क्या, वो हमारा डाटा बेचता है. सो आई डोंट थिंक एथिकल वाला यहाँ पे वेरी 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 जो समझता है वही करना पड़ता है. एथिकल पकड़ के बैठेंगे तो रैंक तो नहीं करके देंगे हम. सो आई थिंक हार्दिक प्लीज कंटिन्यू, बिकॉज़ द सेशन इज गोइंग गुड. या थैंक्स.
So the only thing was ki bhai, again, as you mentioned, so main, again, see, essentially anyone who becomes a seasoned marketer or an SEO professional, usko samajh aata hai ki black hat, white hat, grey hat, jo freshers hote hai na, wo black hat ke naam se hi dur ho jate hai yaar. अगर मैं किसी को बोल दूंगा ये ब्लैक हैट है, ये एडवांस्ड है, उन लोगों को लगता है यार ये हमारे लिए नहीं है. इसलिए मैं इन वर्ड से स्लाइटली दूर रहता हूँ, क्योंकि इट कुछ लोगों को ना, इसलिए ग्रोथ हैक, एक फ्रेशर हैक में इंटरेस्टेड नहीं होता, एक फ्रेशर बेसिक्स में इंटरेस्टेड होता है, वो हैक से दूर ही रहता है. हैक में हम जैसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको चीजें थोड़ा डीपर लेवल पे समझ आती है, एंड दैट इज वेयर एथिकल बाउंड्रीज आपको अपने बिजनेस में रखनी ही पड़ेंगी. एज आई थिंक गोवर्धन मेड अ वेरी वेरी फैंटास्टिक पॉइंट कि इट इज अ मशीन जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ एक एल्गोरिदम एट प्ले है, और एथिकली शायद अगर हम, मतलब देर इज नथिंग एथिकल, एथिकल विद अ ह्यूमन फिगर इज डेफिनेटली एथिकल, मतलब हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे. इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग अगेन, मतलब आई थिंक हम बहुत जरी साइकोलॉजिकल डिस्कशन में चले जाएंगे अगर इसको और ज्यादा खींचेंगे. सो आई थिंक लेट्स जस्ट ड्रॉप इट हियर, दैट वुड बी बेटर. सो ए सीटीआर विल वर्क फॉर श्योर. बी एक बहुत ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं व्हाट वर्कड इन 2021 में मेंशन करना चाह रहा था, बट मैं तीन ही पॉइंट्स पे स्टिक कर रहा था इसलिए नहीं मेंशन करी. हम ना ऑन पेज को मिस कर जाते हैं. जीएमबी में भी ऑन पेज होती है. जीएमबी में ऑन पेज कैसे होती है, हमारे जीएमबी में जो हम वेबसाइट मेंशन करते हैं, मैं वो वेबसाइट ना मेंशन करके अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाता हूं. उस पेज को मैं अपनी, जैसे मैंने बताया, अपनी टर्मिनोलॉजी में आई कॉल दैट जीएमबी लैंडिंग पेज, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक पेज विच हैज at least 1000 word content. And जैसे मैं एक normal content लिखता हूँ, मतलब मुझे कोई page किसी keyword पे rank कराना है, वैसा content उस page पे लिखता हूँ. Home page पे मैं कभी भी वो content नहीं लिख पाऊंगा, because home page has to look very different, and home page cannot look like a content page. So I always create a separate page. That separate page is xyz.com/then you put in that slug, and that slug is usually the keyword. So I create a separate page on a website, and उस पे मैं content डालता हूँ जिस keyword पे मुझे rank कराना है उसके around, और वो link मैं अपने GMB में website का जो section है वहां पे mention करता हूँ. आप जो link मैंने आपको पीछे दिखाया था, आप ये देखेंगे तो ये स्ट्रैटेजी मैंने यहीं से निकाली है. ये जो लिंक है इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें रैंकिंग पैराबिंडर्स में वो लिंक डला हुआ है, एंड आई हैव सीन लिस्टिंग्स हु आर रैंक्ड बिकॉज ऑफ इट, एंड आई हैव आल्सो डन इट. जहां पे मैं फंस जाता हूँ मैं वहां पे ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करता हूँ. अब दिस वर्क्स ऑन पेज वर्क्स. We already know Google is able to read the website and pick up those keywords from the website. Listings mein bahut bari aapne dekha hoga, their website mentions XYZ. So Google is reading your website. So agar wo keyword Google ko aapki website mein, let's not go into schema aur wo sab cheezon mein nahi jaate, par jis page pe firstly Google us link se jata hai, us page pe agar wo keyword optimized hota hai to uska benefit aapko milta hai. So that will for sure work. Reviews will work. Keyword in business name has a deadline now. Ab India mein kab kaam karna band kar jaye, we don't know. 2-4-6 months, that is what I estimate. But itna hi uski timeline rehne wali hai. US mein listing ko rank karwane ke liye naam in business name dalna band kar de. It could cost you your listing. वो आप अब आप बंद कर दें. इट यूज टू वर्क, इट यूज टू वर्क वेरी ब्यूटिफुली इन 2021. आज वो काम नहीं करेगा. सो व्हाट शुड वर्क इन 2022, सीटीआर, रिव्यूज अगेन विच आर कमिंग फ्रॉम 2021 इटसेल्फ, ऑन पेज एसईओ.
मैं अगर टॉप थ्री सजेशंस दूंगा तो सिर्फ ये तीन सजेशंस दूंगा, कीपिंग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन माइंड. ए, इट इट सेट्स यू इन अ डिफरेंट जोन. अगर ये चीजें आप कर रहे हैं, ये चीजें और लोग नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज करनी है. रिव्यू रिव्यू सब लोग करते हैं, बट सीड रिव्यू बहुत कम लोग करते हैं. ठीक है, 100 रिव्यू एक महीने में स्प्रेड अक्रॉस डलवाना, ठीक है, फिर अगर उससे काम नहीं बन रहा तो रिव्यू वेलोसिटी कैलकुलेट करके रिव्यू वेलोसिटी मेंटेन करना. मैं रिव्यूज में उस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिव्यूज सिर्फ वो कहने के लिए रिव्यूज की बात नहीं कर रहा, ठीक है. गेटिंग अप टू दैट लेवल ऑफ सर्टेनिटी की ये काम मैं करवाऊंगा ही लिस्टिंग में. सो उस सर्टेनिटी की मैं बात कर रहा हूँ. सो दीज वर माई टॉप थ्री पिक्स विद रिस्पेक्ट टू वॉट विल वर्क इन गेटिंग अ GMB rant. सो I'm open to Q&A now. You can ask anything with respect to the session or anything else in general as well, guys. You could unmute yourself. Chat pe nahi, you could unmute yourself and speak away. I think that would be best. Chat pe already 2 questions hai. Shall we? I'll take those. So I see Gaurabjeet's question. What content will be on the GMB landing page if we want to bring people on service page? So is it good to use GMB landing page URL for listing? Absolutely, Gaurabjeet. So my strategy for landing pages, use that as a content page. Very few people actually click the website button. So it is primarily for the bots. It is not for humans. So, but yes, there is a certain traffic. There are certain categories जहाँ पे website clicks ज़्यादा high होते हैं. तो आपको समझना है पहली बात तो कि आपकी कैटेगरी में वेबसाइट क्लिक हाई है लो है, ठीक है. अगर हाई है तो अलग तरीके से पेज बनेगा, अगर लो है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. 1000 वर्ड का कंटेंट अराउंड द प्राइमरी कीवर्ड बनाओ. प्राइमरी कीवर्ड छोड़ो, मैंने तो 5-5 कीवर्ड का कंटेंट बनाया है और वो 5 कीवर्ड पर रैंक मारा है, ठीक है. तो एक मतलब अगेन वंस यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी तो उस स्ट्रैटेजी को आप कितना ही और एक्सटेंड कर सकते हो. सो दैट इज टोटली अप टू यू. सो कुछ कीवर्ड्स रैंक नहीं होते तो वो कीवर्ड्स फटाफट रैंक हो जाते हैं उस लिस्टिंग के, अगर आपने उसको ऑन पेज एसईओ में इंक्लूड कर लिया, जीएमबी लैंडिंग पेज पे इंक्लूड कर लिया. सो दैट इज इट. अंडरस्टैंड आई थिंक एज पर योर क्वेश्चन गोज, हम ये लिस्टिंग को रैंक कराने के लिए कर रहे हैं. जो ट्रैफिक आ रहा है उससे लीड कैप्चर करने के लिए नहीं करते प्राइमरीली. अगर आपकी कैटेगरी में वो ट्रैफिक हाई है तो आपको वो काम करना पड़ेगा. If we share YouTube links with friends to increase views on YouTube videos, will it? Absolutely, absolutely. That is CTR only. Asif, that is CTR only. As इसके bots बने हुए हैं. आप internet पे search करना. YouTube videos तो CTR से बहुत easily rank होते हैं यार. YouTube में जितना malpractice चल रहा है ना, मैं आजकल recently थोड़ा research कर रहा हूँ. हाँ. And मैं shocked गया हूँ. मतलब I was very very shocked कि मतलब कैसे कैसे content rank कर रहे हैं वहाँ पे. YouTube is another ball game altogether. I मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता, but it is a very different ball game. सर एक क्वेश्चन था. पूछिए. मेरी सिस्टर है, उनका मैंने बिजनेस प्रोफाइल बनाया था त्रंबकेश्वर में, नासिक में. ओके. तो एक्चुअली उनका सारी शॉप है, मैंने पूरा वेरिफिकेशन वगैरह हो गया था. गूगल ने कोई पोस्ट कार्ड वगैरह सेंड नहीं किया हमको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए. जस्ट डायल में लिस्टिंग हुआ था, पहले किया था और बाद में मैंने किया, मुझे पता नहीं था जस्ट डायल पे किया है, बाद में मैंने किया तो शायद से गूगल ने तुरंत वेरीफाई कर लिया था उसे. उसमें हमें पोस्ट कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं आया. बाद में वो जो पिन भेजते हैं वो पिन का भी कोई उसमें आया नहीं, मैसेज भी नहीं आया हमको. लेकिन सर उन्होंने क्या किया, बाद में जब हमने अपडेशन वगैरह किया, कोरोना का अपडेशन आया कि आप मतलब आपके यहाँ पे सेफ्टी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो हमने उनको डाला, हमने सब कुछ डाला. लेकिन उन्होंने क्या किया सर, वो हमारा प्रोफाइल है ना ब्लॉक कर दिया. तो मैंने क्या किया, फिर से उनको जाके कस्टमर मतलब जो सपोर्ट है, सपोर्ट में जाके मैंने उनको मेल में डाल दिया ऐसा ऐसा हुआ है करके. तो उनको मैंने ओरिजिनल कॉन्टेक्ट नंबर भी बताया, सब कुछ एड्रेस वगैरह उनको बताया. उन्होंने एक्चुअली हमारा एड्रेस गलत लिस्टिंग कर दिया था. यहाँ पर तेली गली करके एरिया है और नासिक में दगड़ू तेली का एक दुकान है. तो उन्होंने क्या किया, तेली गली को और दुकान को दोनों को एक कर दिया, मर्ज कर दिया. और मिस्टेकली उन्होंने क्या किया कि जो 25 किलोमीटर दूर है त्रंबकेश्वर का एरिया,
वो उन्होंने 25 किलोमीटर प्रायरली दिखा दिया। तो अभी एक्चुअली मुझे पता नहीं, गूगल ने पोस्ट कार्ड सेंड किया रहेगा बाय मिस्टेकली, तो वो कुछ वहां पर रिसीव नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि वहां पर त्रंबकेश्वर का कोई संबंध ही नहीं आता है, वो तो सिटी में उन्होंने एड्रेस दिखा रहे। अभी भी आप गूगल प्रोफाइल चेक करेंगे तो वहां पर एड्रेस जो आता है वो जो वो हमने लिस्ट करवाया वो एड्रेस नहीं आता है वहां पर। तो अभी उन्होंने मुझे सर मेल में डाला है री इंस्टेंटेनमेंट फॉर्म ऐसा कुछ तो डाला है, तो सर ये क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली। आप सपोर्ट वालों को अपना दोस्त मानो यार, सपोर्ट वाले फ्रेंडली हैं। और जब से ये फियास्को सारा नंबर वाला फियास्को हुआ है, गूगल का सपोर्ट थोड़ा सा लीनियंट हो गया यार, तो आप उन लोगों से बात करो, कॉन्स्टेंट ईमेल करो। थोड़ा सा नहीं, स्ट्रैटेजी है कि इंग्लिश का ध्यान रखना पड़ता है यार उनसे बात करते हुए। ओके, फाइंड अ स्मार्ट पर्सन टू रिप्लाई, फाइंड अ स्मार्ट पर्सन टू फिल द फॉर्म। ओके, थोड़ा सा ये खेल है, थोड़ा सा ये खेल है इस वक्त। कम्युनिकेशन गैप है यार, ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। गूगल सपोर्ट से काम करवाना इज अ कम्युनिकेशन गेम। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, गूगल सपोर्ट से काम करवाना इस चीज पे डिपेंड करता है आज की डेट में। उसको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, मे बी। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में बहुत सारे बिजनेस ओनर सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं, एक्चुअली में उनकी बात वो इंग्लिश में कह नहीं पा रहे। जेन्युइन है, सब कुछ जेन्युइन है, पर एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना आपको। और वो लोग फोन पे आने को तैयार नहीं है, तो आपको चैट पे, सपोर्ट पे, फॉर्म्स के थ्रू रीच आउट करना पड़ेगा। पर काम हो रहा है। आई वुड से कि एक थोड़ा सा स्मार्ट बंदा जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, जो थोड़ा बहुत समझता हो, और इसके लिए जीएमबी आनी भी चाहिए नहीं। ये तो मतलब सिर्फ उनके जो सवाल है, अपनी सिचुएशन को जेन्युइनली समझाना इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आजकल की हो गया है सपोर्ट से काम करवाने के लिए। ओके, तो सर आपने जो बताया साइटेशन का स्ट्रेटेजी, तो हम साइटेशन को फॉलो करके, साइटेशन को फॉलो करके फिर हम लोग ये करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा ना। एब्सोल्युटली, उन्होंने जो मेल दिखा पाओगे ना, वर्किंग डेज में ही कर देना है वो। आप दिखा पाओगे ना, मेरा जेन्युइन बिजनेस है, देखो सब जगह लिस्टेड है। ओके, ये बेनिफिट है साइटेशन का, वेबसाइट का। वो बंदा भी तो क्या करेगा, गूगल सर्च ही तो करेगा कि आपका बिजनेस जेन्युइन है नहीं है। लेकिन सर मतलब उनका यूआरएल इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा ना, मेल उनका जो आया है तो तुरंत रिप्लाई करना पड़ेगा क्या उनको? नहीं, तुरंत आप दोनों काम पैरेलली करिए ना। okay. आपको रिप्लाई भी करना है और आप दोनों काम पैरेलली करिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। रवि इज टेलिंग यू अ पॉइंटर, यू कैन कंप्लेन दैट कार्ड हैजंट अराइव्ड एंड स्केड्यूल अ वीडियो कॉल, शो देम बिजनेस बोर्ड नेम एंड एड्रेस आइडेंटिफिकेशन, दे विल अप्रूव इंस्टेंटली। ये भी एक तरीका है। आप सपोर्ट पे उनको, जैसे रवि ने ये पॉइंट बताया, आप उनको जब रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उसमें आप बताइए कि भाई आई एम रेडी टू गेट ऑन अ वीडियो कॉल, वो वीडियो कॉल कर लेते हैं बहुत भारी। ओके, ठीक है। तो अगेन, सो फाइंड अ स्लाइटली, आई वुड से आप ये करते रहते हैं लोकल एसईओ, आप करते रहते हैं? हाँ सर, करता हूँ सर। हाँ तो बस ये करिए यार, आई थिंक दिस विल, जैसे वीडियो कॉल का पॉइंटर मेंशन कर दोगे ना, कई बार तो वो वीडियो कॉल पे भी नहीं आते, वैसे ही प्रूव कर देते, क्योंकि एक जेन्युइन बंदा ही तो ये बोलेगा ना वीडियो कॉल पे आ जाऊं। यस सर, ठीक है। तो सपोर्ट इस वक्त अप्रूवल्स दे रहा है, इट्स जस्ट अबाउट कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली उनसे, उनको सही तरीके से समझाना जरूरी हो गया आज। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, I think if there are not many questions, I'll have two questions, which can even help others. क्योंकि मेरा questions ऐसा है कि they're not deep into local SEO, क्योंकि मैं local SEO वगैरह करता नहीं हूँ, ठीक है। I know a bit of SEO and I did it for my blogs and all, so that is there. So there are two questions. When we were starting this discussion, I think two participants raised the hand. Let us have give them the opportunity first. Absolutely. Ashish, you can unmute yourself and ask your question or type in your question as well. Thanks, Harjeevji, for taking this session on niche marketers. Thank you. And thanks, Govindji, for hosting this session. Welcome, Ashishji, please. Yes. Yeah, so my question is regarding on-page SEO only. Like, it's somewhat related to on-page SEO only. Like, in generally, hum GMB ke upar bhi posting karte hain. Correct, and it allows that somewhere around 1500 character post.
सो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या हमारा कंटेंट जो हम उस पोस्ट पे डाल रहे हैं जीएमबी के ऊपर, डज दैट आल्सो प्लेस एनी फैक्टर व्हाइल लिस्टिंग योर? द वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ और बिगेस्ट लाई दैट पीपल आर सेलिंग इन द मार्केट कि जीएमबी पोस्ट रैंकिंग आती है नहीं आती. ओके ठीक है. इट इज जस्ट अ हेल्दी एक्टिविटी दैट यू कैन डू. उसका रैंकिंग ये वही चीज है. हम वो बात करते थे ना कि मेटा डिस्क्रिप्शन, पता नहीं एक पैरामीटर होता है ना ऑन पेज एसईओ में विच इज नॉट अ डायरेक्ट पैरामीटर. तो ये सीटीआर में हेल्प कर सकता है यार, क्योंकि जब आप पोस्ट डालते हैं तो आपकी लिस्टिंग और लंबी हो जाती है, क्योंकि एक पोस्ट का सेक्शन आ जाता है आपकी पोस्ट में, आपकी जीएमबी में. मतलब स्पेस वो, क्या बोलते हैं उसको, एरिया ज्यादा, स्पेस, हाँ पिक्सल स्पेस बढ़ जाता है. पिक्सल स्पेस, राइट, पिक्सल स्पेस तो अटेंशन भी ज्यादा होता है शायद. ठीक है, तो रोज करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है. द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज अगर आपका सोशल रेगुलरली अपडेट होता है, कोई ना कोई आप टूल यूज करो जो वही चीज को जीएमबी पे भी पोस्ट कर दे. ओके फाइन. नो नो एडिशनल एफर्ट नीड्स टू बी डन ऑन जीएमबी पोस्ट्स, एटलीस्ट टू रैंक, रैंक करने के लिए. ऑब्वियसली लिस्टिंग में अगर एंगेजमेंट बढ़ाना है, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेसेस में आपको रेगुलर फोटोज अपडेट करनी पड़ती है, तो वहां करनी पड़ेंगी आपको. देर इज नो अदर स्ट्रैटेजी, मतलब क्योंकि वहां पे लोग आपके रेस्टोरेंट्स पे जाके ये देखते हैं यार इस रेस्टोरेंट में कौन सा नया इवेंट हो रहा है, कब फोटो डली, कब नहीं डली. राइट राइट. तो दैट इज वेरी डिफरेंट, मतलब वो एक अलग चीज. अगेन कैटेगरी टू कैटेगरी फर्क पड़ जाएगा, बट एसेंशियली पोस्ट डू नॉट हेल्प यू इन रैंकिंग. ओके okay, I think, that's a great point actually. If you don't mind, I would like to quickly add one point here. Since you spoke about the images uploading part, you know, so what I have seen in my experience that, you know, rather than putting picture as a owner, which we anyway do, if you can encourage your customers to upload, you know, along with the review, if they manage to get a picture, especially in the restaurant industry and, you know, things like this, they are going to fetch you more advantages, what I realized. True. Yeah, true. So it might be useful for someone. Just encourage your customers to write a review. And if and attach possible, a photo as well. Encourage, put a photo selfie. Or yeah, that's going to help you a lot. It does. Okay. Thank you, Ravi, on that. I think Pavanji ka hand raised tha, but I think Pavanji already question put chuke shayad. That's what I think. Yeah, so coming to the question, what I want to ask is, Hardik ji, it is a very broad and generic question, but it may be useful to marketers in general, not only SEO guys. So that is like, I want to ask, like SEO, Surwad ne bole ki na, you generally don't encourage some of the businesses to focus on Google local SEO, GMB or local SEO. So can you name a few, like, तीन चार verticals या what do you think which doesn't work, ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए लोग को? Sure. See anything that runs, एक तो keyword volume अगर आपकी कम है, because यहाँ पे हम hyper local keyword volume की बात कर रहे हैं. Understand? Service in XYZ city, XYZ area. तो अगर आपकी volume ही नहीं है, तो local SEO काम ही नहीं करेगा. Okay. Firstly, you need to ensure, मतलब अगर आपको मैथमेटिकली चेक करना है तो मैथमेटिकली कीवर्ड वॉल्यूम इसका ही खेल है. अगर उस कीवर्ड पे वॉल्यूम ही नहीं है तो वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर उस कीवर्ड पे रैंक करके आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके. सो आई थिंक दैट सॉर्ट्स इट इन अ ब्लैक एंड व्हाइट मैनर कि जाओ कीवर्ड नहीं, कीवर्ड इन एक्स वाई जेड प्लेस. भाई मुझे दिल्ली में अगर कुछ देखना है तो कोई भी सर्विस इन दिल्ली, अगर इस कीवर्ड पे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, तो जीएमबी रैंक करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे. ओके, इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल एंड लॉजिकल मतलब थॉट प्रोसेस है. सो व्हेन दिस इज वन पॉइंट ऑफ इट. सेकंड वन इज लाइक लोकल एसईओ किसके लिए ज्यादा अच्छा काम करता है? दिस आई डोंट नो इफ यू हैव अ स्पेसिफिक आंसर फॉर इट, बट आई स्टिल वांट टू नो, एटलीस्ट पीपल विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क. कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा काम करते हैं? To focus on that. See, answer is again on the keyword volume. Same thing. Okay.
कि अगर आपके हाइपर लोकल कीवर्ड पे वॉल्यूम है, ठीक है, हाइपर लोकल कीवर्ड निकालना बहुत आसान है, सर्विस इन प्लेस, ठीक है, उस कीवर्ड पे, नियर मी भूल जाओ, जेनरिक कीवर्ड भूल जाओ, सर्विस इन एक्स वाई जेड प्लेस, ओके, यूजुअली उसको आप सिटी लेवल पे मैप करो, ठीक है, अगर उस कीवर्ड पे वॉल्यूम है तो करने का फायदा डेफिनेटली मिलेगा, अगर उस कीवर्ड पे वॉल्यूम नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू फेच एनीथिंग। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे उस कीवर्ड पे वॉल्यूम होता है तब भी बिजनेस में बेनिफिट नहीं मिलता, ओके, देयर आर सर्टेन केसेस, बट वो पता तभी लगता है जब आप कर लेते हैं, वी नेवर नो। वन कैटेगरी आई विल पुट इन, न्यूट्रिशनिस्ट रैंक करवाना इज नॉट वेरी हेल्पफुल, डाइटिशियन रैंक करवाना एटलीस्ट इन इंडियन जियो is not very helpful. लेकिन nutritionist try करेंगे तो भी फिर they need to be convinced to get their service. वो एक issue होता होगा. So एक वही जो मेरा एक general perception बनता जा रहा है, जो भी चीज हम किसी दूसरे को देख के लेते हैं ना उसमें काम नहीं करेगा. Okay, judgment अपना नहीं है, दूसरे को influence होते करके. Anything that is influenced, मतलब जिसका primary market influence की वजह से चल रहा है, primary market, वहाँ चीजें मुश्किल होंगी। Okay. I have one question. Please. Okay. Again, this is from my understanding. I'm not very sure if I'm 100% correct or not. But as far as that I have seen, you know, GM, you know, this local SEO and the regular SEO are two different things according to me. You know, when you're talking about regular SEO, there is more of content, how you present your content and you know, the signals on the website. A lot of factors are there. But when you're talking about local SEO, it's more about the signals only, you know, because there's not a lot of content or on-page here. So even though they are there, they do exist, but it's more about the signals, right? As far as I understand. And what we as an SEO guide try to do is we try to mimic those signals, to be honest. You know, try to put them in a natural way. Just keep experimenting. Now you find a loophole, just exploit it, and when find a, you know, Google kicks you out, find something else. This is, but to be honest, I was doing that. I was doing a lot of gray or black around the local SEO. You know, at one point of time, trust me, I used to have 40 cards on the same address. You know, all of them uproot. They were getting a hell lot of leads. We were doing all this, but now it has become realistic. You can't do to that level, but still you can mimic a lot of things and get things done. But one concern that we have is, at this point, what I'm feeling is, when there is a reputed business, you know, as your competitor, which is there from 5 to 10 years or 10 years in the industry, for them, these signals come naturally. You mimic them. So it's not easy to get over them or rank better than them easily. Correct? It's a tough fight. So what do you suggest in this case? How do I do better than them? And they're actually getting natural signals and very popular and reputed business of that area. Govardhan, could you point out who was speaking? Because I could not. Ravi, I would put a slightly different perspective. As you said, I'm with you on this. Ki koi bhi jin 5 saal 10 saal purana business hoga, he will have natural signals. But any new business that is trying to compete with that business will also have signals for sure. Because essentially, agar mere paas business hai, to mere paas customers hai. Aur customers hai, to signal hoga hi hoga. It's just capturing those signals is the key usually. So for a business, local SEO is always one of the channel, not the only and sole channel. So you will always have multiple channels, and in fact there is no business that can survive without customers. So essentially, if I'm competing against a, let's say, 5-year, 10-year old business, and my business has been running for 3 months, in those 3 months I'm very damn sure if it's a genuine business, I'll have customers. By hook or crook, I'll have customers. I'll have to have customers in order to survive. So capturing those signals out of those customers is the key. I may have acquired those customers by XYZ channel,
But true, that is 100% true, but the velocity is not going to be as good as them. So it's not easy to get over them. That's my point. Now the velocity is going to be poor on your side because you're still new and have limited customers. No? True. What I have seen, most people, when they rank well, they literally do not do anything on their listings. And trust me, I can speak from my experience. Their listings are not very well managed. Anyone with a good strategy and time to lagega. So agar aap koi matlab, if you're trying to win over a really good listing, so time to lagega. Plus, आपको तीनों लोग ऐसे नहीं मिलेंगे उस थ्री पैक में. मतलब कोई ना कोई टूटने वाला फॉर श्योर मिलेगा. हो सकता है एक कोई बहुत अच्छा कर रहा हो, दो कोई, कई बार अगर तीन वहां पे बहुत अच्छे हैं, मैं वो बिजनेस में नहीं घुसूंगा. मतलब तीन प्लेयर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एक ही एरिया में, मतलब दैट मीन्स वो, अगर मैं तीनों का स्प्लिट में मारूंगा 33% मार्केट शेयर उन्होंने खा लिया ना, तो I would not fight over a GMB channel. तो उन spot है. हार्दिक जी, actually मुझे क्या लग रहा है ये discussion से, I'm seeing it bit differently from a business perspective. क्योंकि अगर आप compete कर रहे हो एक कोई other business से and they're ranking very well, they're doing very well, definitely आप तो रातों रात तो ये नहीं बन पाओगे, that is sure. क्योंकि कुछ भी कर लो. Second thing is, and you're taking them as a competition, but really are you fitting there? क्योंकि उनका अलग ही मार्केट में खेल रहा होगा, अलग ही ऑडियंस को सर्व कर रहा होगा, अलग ही कस्टमर्स को सर्व कर रहा होगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना दैट व्हाट आर यू प्लेइंग एट. नहीं, गोवर्धन वो नहीं होता. लोकल एसईओ में ना यही खेल है कि सेम, एक्चुअली एक ही कीवर्ड है. उसी कीवर्ड पे आपको रैंक करना, उसी कीवर्ड पे आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है. पर जब हम कॉम्पिटिटर बोलते हैं ना, तो हम तीन कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं या एक की बात कर रहे हैं रवि? ये बात है, अगर एक है तो जीएमबी में तीन स्पॉट्स होते हैं यार. मेरा काम होना चाहिए मैं उस कॉम्पिटिटर के साथ पहुंच जाऊं. मुझे उसको डी रैंक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो उस साथ पहुंचना है, मुझे तो कंसिडरेशन सेट में पहुंचना है. सिंस द कंसिडरेशन सेट इज थ्री, देयर इज स्कोप. और अगर तीन बहुत अच्छी लिस्टिंग्स हैं, मैं उस गेम में जाऊंगा ही नहीं. मैं कस्टमर को बोलूंगा बाबा आप यहां मत आओ, मतलब ये आपके लिए नहीं है. फिर मैं उसकी जीएमबी एड लगाऊंगा. Fair enough, fair enough. Because unfortunately, with in the industry that I am, all three are super good. You know. So then he should probably focus on a long term strategy. उसको एक साल GMB करना है फिर. ठीक है. उसको उन there is no 3 month strategy for that player then. उसको एक साल करना है. But एक साल बाद result है, for sure है. Anyone जो एक साल जीएमबी पे लगा देगा ना, वो उन तीन लिस्टिंग से एक अलग लेवल का माइलेज ले जाएगा. राइट राइट, थैंक यू. या आई थिंक वी हैड सम पीपल जॉइनिंग फेसबुक से देखकर, इधर से जॉइन किए लोग एंड दे हैड फ्यू मोर क्वेश्चंस. श्योर हैप्पी टू टेक देम. आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द चैट. अनीश इज आस्किंग हाउ जीएमबी वर्क फॉर ट्रैवल एजेंसी. Anish, I haven't worked in the travel niche. Actually, एक और question को deeply मतलब इन्होंने Facebook में एक और comment डाला है Anish ने. Anish, अगर आप बात करना चाहे तो unmute करके भी बात कर सकते, that would make the job easier for all of us. Yeah, Anish जी. Yeah. हाय, दिस इज अनिश. एक्चुअली दोनों क्वेश्चन अलग है. एक तो है मेरा खुद का जो है वो है ट्रैवल एजेंसी, जिसके वजह से मैं पूछ रहा था कि ट्रैवल में कितना काम करते हैं. और दूसरा है, मैंने एक फ्रेंड के लिए रिसेंटली लास्ट वीक को एक आपका एक जीएमई लिस्टिंग बनाया था. उनका फ्रीलैंसिंग एज ए योगा टीचर है. ठीक है, तो उनका वो ये आ गया था, आपका कहते हैं पोस्ट कार्ड आ गया और वो वेरीफाइड भी हो गया, लेकिन स्टिल वो आपका अंडर रिव्यू, गूगल अंडर रिव्यू दिखा रहा है. तो मैंने उसके बाद सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया, तो वो लोग उसका ये मांग रहे हैं, लाइसेंस मांग रहे हैं. तो एज ए फ्रीलांसर अभी ट्रेड लाइसेंस मांग रहा है, उसके पास है नहीं, तो ही मैं उसका मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए. वेबसाइट एंड साइटेशंस अनीश, वेबसाइट एंड साइटेशंस. ओके सेम अप्रोच विल वर्क देयर एक्चुअली. हां, ट्रैवल एजेंसी के लिए एक सजेशन मैं आपको देता हूं. यूजुअली जो ट्रैवल की सर्चेस होती है ना, वो ट्रैवल एजेंसी की नहीं होती. हमें जहाँ जाना होता है वहां की सर्च होती है.
लेट सपोज मुझे शिमला जाना है तो मैं शिमला से रिलेटेड कुछ सर्च जरूर करूंगा. सो अगर आप उस कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करें, स्लाइटली ग्रे हैट है अगेन, सॉरी इसरार, बट मैं ऐसे ही काम करता आया हूँ. तो जैसे मैंने बीर में एक लोकेशन, जैसे मैंने होटल इंडस्ट्री में काम करा है, होटल इंडस्ट्री में मैंने काफी काम करा है. सो तो वहां पे काम, मतलब सो एक ट्रैवल तो नहीं बोलूंगा, ट्रैवल नहीं था एसेंशियली, हाँ एक मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स की बुकिंग वेबसाइट थी, तो उसमें हम लोगों ने काफी एक अच्छा माइलेज लिया था बाय गेटिंग देम रैंक्ड इन सो दैट एडवेंचर एक्टिविटी इन सिटी इस कीवर्ड पे. सो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली ट्रैवल में आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा कि भाई क्या कीवर्ड पे मुझे खेलना है, कैसे खेलना है. सो थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ट्रैवल पे. नॉर्मल ट्रैवल एजेंसी लोग सर्च नहीं करते आज की डेट में. सो नोबडी सर्चेस, मतलब अगर मुझे ट्रैवल करना है तो आई विल गो टू एक्स वाई जेड वेबसाइट में, क्लियर ट्रिप या किसी ना किसी वेबसाइट पे चला जाऊंगा रादर देन सर्चिंग ऑन गूगल. कीवर्ड वॉल्यूम, यू मीन कीवर्ड वॉल्यूम इज लेस, जनरल कीवर्ड वॉल्यूम लेस होगा शायद. हाँ हाँ, तो आपको कोई ना कोई निश पकड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई निश पकड़ना पड़ेगा और उस निश पे आपको खेलना पड़ेगा. या ट्रैवल एजेंसी भी आजकल ना बाइफरकेट हो गई है, कोई एडवेंचर में जाता है, स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर एरिया के. राइट राइट राइट, कोई तीर्थ यात्रा का स्पेशलिस्ट होगा. तो बड़े अलग अलग स्पेशलाइजेशंस बन गए ट्रैवल में ना. तो आपको ट्रैवल में उन कीवर्ड्स पे खेलना पड़ेगा जिन कीवर्ड पे वॉल्यूम है. तो थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च लगेगी इसमें और फिर आप लिस्टिंग खेलेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे. ओके, थैंक यू. यू वेलकम. यस आशीष, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. या सो हार्दिक, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, लाइक अनीश आस्क्ड रिगार्डिंग अ योगा इंस्ट्रक्टर, लाइक हर जीएमबी वाज़न्ट गेटिंग राइट. सो उस अकॉर्डिंग उस केस में आप ये कर सकते हैं, लाइक आई हैड दिस सेम सिनेरियो जिस केस के अंदर मेरी एक फ्रेंड थी, आई वाज लाइक उसका बिजनेस में लिस्ट करना चाह रहा था, आई वाज अनेबल टू डू दैट. सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर अनीश की शायद आपने इमेजेस और ये सब अपलोड करी हैं या नहीं करी हैं, बिकॉज मेक श्योर दैट यू अपलोड द इमेजेस एज वेल. आप अगर हो इमेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इमेज में जैसे ही मतलब मोबाइल्स के ऐप के थ्रू भी या फिर डेस्कटॉप से अपलोड कर रहे हो तो कुछ मिनट बाद ऑटोमेटिक हट जा रहा है. नहीं नहीं, डू वन थिंग कि यूज अ डेस्कटॉप, लाइक अपना लैपटॉप या कुछ यूज में लीजिए, एंड प्लस अगर हो सके तो जो आउटलेट या फिर अगर वो इंडोर क्लासेस लेते हैं तो कुछ मैट्स लगा के और एक हल्का सा बैनर टाइप से बना के आप, कि जो भी उनका योगा क्लासेस का नाम हो या फिर अपने नाम से वो जो भी एक बैनर बना के उस बैनर को डाल के थोड़ा इमेजेस में डालिए. सो उससे थोड़ा जेन्युइन लगेगा आपका बिजनेस. एंड मोर ओवर अगर वो योगा इंस्ट्रक्टर है और उन्होंने कोई बेसिक ट्रेनिंग कहीं से ली है किसी के भी अंदर, तो अगर वो भी सर्टिफिकेट आप शोकेस कर सकते हो इन इमेजेस के अंदर तो प्लीज डू दैट. ओके ओके, दिस शुड प्रोबेबली वर्क. एंड मोर ओवर से फॉर एग्जाम्पल अगर उनका नंबर लिस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप अगर उनके जो रिव्यूअर्स, लाइक अभी रिव्यूअर्स नहीं, आई वुड से कि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो ऑलरेडी कस्टमर्स थे, फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप बोल सकते हैं कि आप उनके नंबर को सजेस्ट करें. बिकॉज आजकल गूगल के अंदर ये होता है कि इफ समबडी कॉल्स यू तो वो, और अगर आपके लिस्टिंग है तो वो सजेशंस के अंदर भी ऑप्शन देता है. तो वहां पे अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे उन पे सर्च कराइए और उस पे एडिट करने के लिए बोलिए कि आप अपना इनपुट डालिए उसके अंदर कि ये इस बिजनेस का ये नंबर है. अगर ऐसे 10 15 20 जने डालेंगे दैट नहीं, नहीं उसका मतलब रिव्यू पब्लिश ही नहीं हो रहा है, मतलब लिस्टिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए कह रहा हूं मैं. अच्छा, लिस्टिंग भी नहीं आ पा रही ना, सर्च करने पर तो मैं बोल रहा हूं लिस्टिंग अंडर रिव्यू, मतलब लगभग 2 हफ्ते के ऊपर हो गए अंडर रिव्यू करके छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही चल रहा है. नहीं तो उस केस के अंदर लिस्टिंग फोन नंबर नहीं आ रहा है, बिजनेस नेम ही नहीं सर्च नहीं हो पा रहा है. नहीं मतलब लिस्टिंग बना लिया, वेरीफाई पोस्टिंग कट के थ्रू हार्दिक हैज मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव, मतलब
and the participants were also very very काफी लोग कुछ कुछ हद तक कर चुके हैं कुछ एक काम देख चुके होंगे मतलब that was something which is very exciting and we have different kinds of people here agency owners भी है freelancers भी है I know some of them personally that's why I'm telling so thank you Hardik for actually preparing this whole presentation and delivering it here really really happy for this so I hope all the guys have enjoyed it so thank yeah you. Thank you for having me Govardhan I think I enjoyed I think one thing niche marketers is a very sorted out community so credit to you for building this I think bahut quality crowd I hai yahan pe I could see it in the level of questions that were being asked and the level of people that I was engaging with so great guys I think let's stay connected I'm happy I usually respond back so let's stay connected koi bhi query hai within the local SEO space or education is again one thing that I am doing as a whole so ye do cheezon mein agar koi bhi query hai to I'm happy let's connect sure Hardik ji I will share your details maybe people can connect on LinkedIn or Facebook whatsoever मैं इस सेशन का रिकॉर्डिंग भेजता हूँ जो जितना जितना लोग रजिस्टर किया होगा साथ में आई विल आल्सो गिव योर कनेक्शन डिटेल्स मे बी फेसबुक या लिंक्डइन व्हाटएवर यू प्रेफर एंड बेस्ड ऑन दैट इफ दे वांट टू कनेक्ट एंड ग्रुप में तो है ही है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू आर एबल टू टैग समवन वांट्स टू टैग हिम डायरेक्टली एंड आस्क अ क्वेश्चन मे बी ही विल व्हेन ही फाइंडिंग हिज टाइम ही कैन एक्चुअली रिस्पोंड ऑन दैट दैट्स आल्सो इज पॉसिबल सो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच या I think everyone is sorted out. Thank you very much. Bye. Thanks, guys. Thanks, Govardhan. Bye. Take care. Thank you, Hardik ji. Good night.